हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम गाइस कंप्लीट करने वाले यूनिक डेस्टिनी का क्राइटेरिया, जो कि गाइस 6000 अचीवमेंट पॉइंट है। एंड गाइस आपके सामने गाइस आपको मैं यूनिक डेस्टिनी का टाइटल इक्यूब करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस यार चलते चलते हम यहाँ पे सबसे पहले मिशंस के अंदर, और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस मेरे 5990 यहाँ पे गाइस मेरे अचीवमेंट पॉइंट हो चुके हैं। एंड गाइस अगर यहाँ पे मैं ग्लोरियस मोमेंट्स में जाता हूँ, तो जैसे ही गाइस मुझे यहाँ पे 10 अचीवमेंट पॉइंट यहाँ पे मुझे और मिल जाएंगे, गाइस यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया है जो कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एक मिथिक आउटफिट जो कि हंट्रेस सेट। एंड गाइस यहाँ पे मुझे एक मिथिक टाइटल मिल जाएगा जो कि यूनिक डेस्टिनी। एंड गाइस ट्रस्ट में, ये जो टाइटल है यूनिक डेस्टिनी, वो गाइस बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। पबजी मोबाइल इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, और गाइस इंडिया में ये टाइटल भाई बहुत ही कम लोगों के पास है, ठीक है। सो गाइस यार अभी यहाँ पर मेरा एक अचीवमेंट है जो कि है माउंटेन हीरो। गाइस मेरा इसका लास्ट वन मिशन बाकी है, जो कि गाइस मुझे अभी 50 मैचेस जीतने थे, अभी गाइस मेरे 49 हो चुके हैं। एंड गाइस जैसे अभी यहाँ पे मैं और एक मैच जीत जाऊँगा, गाइस मेरा ये मुझे 20 अचीवमेंट पॉइंट मिल जाएंगे, और गाइस मेरा जो क्राइटेरिया है 6000 अचीवमेंट पॉइंट का, वो गाइस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यार मैं गाइस एक टाइटल इक्विप करने के बाद आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप यूनिक डेस्टिनी टाइटल के लिए ट्राई करते हो तो, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि इसमें ऐसे ही कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते तो पबजी मोबाइल से रिलेटेड। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं अचीवमेंट माउंटेन हीरो। तो गाइस अब यहाँ पर मेरा फिलहाल लग चुका है कराकिन मैप। एंड गाइस यहाँ पे आखिरी बंदा बचा है। तो गाइस इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे गाइस मेरे 50 आउट ऑफ 50 यहाँ पे गाइस मेरे मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस मेरा चिकन डिनर हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे मेरे जो माउंटेन हीरो अचीवमेंट है गाइस, वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है बहुत ही ईजी। तो गाइस चलिए इसको हम कलेक्ट करते हैं। एंड गाइस यहाँ इसके थ्रू गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं 20 अचीवमेंट पॉइंट। तो गाइस अभी यहाँ पर मेरा जो क्राइटेरिया है यूनिक डेस्टिनी का, तो गाइस वो भी मेरा पे कंप्लीट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर मुझे यूनिक डेस्टिनी का टाइटल भी मिल चुका है। तो चलिए गाइस इसको हम गो नाउ के ऊपर हम टैप करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इसका मेरा पूरा टोटल 600 मेरा जो अचीवमेंट पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई चलिए इसको फटाफट से हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस सबसे पहले कलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे गाइस मिला है टाइटल। एंड गाइस उसके बाद में यहाँ पे गाइस मुझे मिल चुका है एक मिथिक आउटफिट। तो गाइस अभी यार यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको फटाफट से हम इक्विप करते हैं। एंड इक्विप करने के लिए जाना पड़ेगा हमको टाइटल के सेक्शन के अंदर, एंड यहाँ से गाइस हम इसको इक्विप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो गाइस यार अभी यहाँ पर मुझे मिल चुका है यूनिक डेस्टिनी का टाइटल बहुत ही इजीली। तो गाइस इसका हम जो आउटफिट है जो कि मिथिक आउटफिट है, तो गाइस हम उसको भी फटाफट से इक्विप कर लेते हैं। एंड गाइस यार मैं आपको गाइस बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना। गाइस कभी भी मतलब भाई कुछ भी पार्ट स्किप मत करना इस वीडियो का, नहीं तो भाई आपको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो गाइस चलिए अभी मेन पार्ट पे हम आते गाइस कि आपको यूनिक डेस्टिनी का टाइटल कैसे मिल सकता है बहुत ही ईजिली। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट, आपको इवेंट एक्सक्लूसिव अचीवमेंट आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो गाइस याद रखिए, जब भी पबजी मोबाइल में कोई नया मोड आता है तो गाइस उसके साथ उसका अचीवमेंट भी आता है। सो गाइस फिलहाल अभी पबजी मोबाइल में चल रहा है ग्रेफिटी प्रैंक इवेंट। एंड गाइस ग्रेफिटी प्रैंक जो मोड है गाइस, उसके रिलेटेड एक अचीवमेंट है हमारे पबजी मोबाइल में जो कि है रिदम हीरो। और गाइस ये जो अचीवमेंट है गाइस, वो एक इवेंट एक्सक्लूसिव अचीवमेंट है। सो ये जो अचीवमेंट है गाइस, हमको 9th ऑफ मार्च में आया था पबजी मोबाइल में, और गाइस ये 10th ऑफ मई तक ही पूरा रहने वाला है। एंड गाइस 10th ऑफ मई के बाद आप इस अचीवमेंट को नहीं कर सकते, गाइस अचीवमेंट रिमूव हो जाएगा पबजी मोबाइल में से, और इसका जो मोड है ग्रेफिटी प्रैंक वो भी गाइस इसके साथ रिमूव हो जाएगा। सो गाइस याद रखिए, पबजी मोबाइल में जब कभी भी न्यू मोड इंट्रोड्यूस होता है तो गाइस उसके साथ नया अचीवमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। एंड गाइस आपको वो अचीवमेंट जो वो सबसे पहले गाइस कंप्लीट कर लेना है जो कि इवेंट एक्सक्लूसिव होने वाला है। ओके तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के, जो कि है पॉइंट 2। सो गाइस यहाँ पर अभी हमारा सेकंड पॉइंट है, आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि आपको यहाँ पे कौन सा इजी अचीवमेंट है जो कि आप सोलो मोड में बहुत ही जल्दी एंड इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं फिलहाल एग्जांपल लेने वाला हूँ रिदम हीरो अचीवमेंट का। तो गाइस अब यहाँ पर ही जो मिशन आप देख रहे हैं गाइस, काफ़ी इजी मिशन है। एंड गाइस आप ये सोलो में भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आपको सबसे पहले ऐसे अचीवमेंट देखने के, आपको सोलो में कर सकते हो एंड बहुत ही जल्दी आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस जितने भी आप अचीवमेंट सोलो मोड में कंप्लीट कर सकते हो गाइस, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। एंड गाइस आपका यहाँ पे जो अचीवमेंट पॉइंट है वो भी गाइस धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर हमारा है गाइस थर्ड स्टेप। तो गाइस आपको कुछ ऐसे अचीवमेंट देखने जो कि है थोड़े बहुत हार्ड है एंड थोड़े बहुत कम हार्ड है, मतलब गाइस मीडियम हार्ड और बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ एक ऐसे अचीवमेंट का जो कि गाइस है राइडिंग मार्क्स। तो गाइस आपको ऐसे अचीवमेंट ढूंढने हैं जो कि आप सोलो में नहीं कर सकते हो, गाइस आपको ऐसे अचीवमेंट जो कि आप स्क्वाड और सिर्फ डुओ में कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी इस अचीवमेंट में क्या है, आपको गाइस यहाँ पे
10 बंदे मारने के व्हीकल में बैठ के, एंड गाइस आपका यहाँ पे जो व्हीकल का स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आप खुद व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते हो और एट ए टाइम आप सेम बंदों को नहीं मार सकते, ठीक है। तो गाइस इसकी मदद से, मतलब भाई इस अचीवमेंट के अंदर आपको आपके फ्रेंड की ज़रूरत पड़नी चाहिए, आपको एटलीस्ट एक फ्रेंड तो चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा गाइस थर्ड स्टेप, आपको गाइस ऐसे अचीवमेंट ढूंढने जो कि आप सोलो में नहीं कर सकते, अचीवमेंट कंप्लीट कर लीजिए जो कि आप डुओ और स्क्वाड में कर सकते हो। सो गाइस अभी आ चुका है यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो कि गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो गाइस कुछ अचीवमेंट ऐसे भी है जिनमें गाइस आपको यूसी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन गाइस अगर आप यूसी खर्च नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस। फॉर सपोज एग्जांपल गाइस अब यहाँ पर एक अचीवमेंट है जो कि है इलाइट कम्युनिकेटर। तो गाइस अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे मिशन देखे, हमको गाइस यहाँ पे रेडियो मैसेज सेंड करना है चैट चैनल में। तो गाइस रेडियो मैसेज जो है गाइस एक रेडियो मैसेज, ठीक है। तो गाइस उसको लगता है 60 यूसी, लेकिन गाइस आपको यहाँ पर रेडियो मैसेज आपको फ्री में भी मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस आपको जाना है क्लैन के अंदर और गाइस आपको पे सेकंड ऑप्शन पे दिख जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो एंड गाइस यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जो कि है 60,000 पॉइंट्स। तो गाइस अगर आपका यहाँ पे क्लैन एनर्जी ऑब्जेक्टिव में पूरा 60,000 पॉइंट हो जाता है तो गाइस आपको पे एकदम फ्री में रेडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये एक तरीका हो गया जहाँ से आपको फ्री में रेडियो वगैरह मिल सकता है। एंड गाइस दूसरा हमारा तरीका है जो कि है इवेंट्स। तो गाइस आपको इवेंट्स के थ्रू भी कभी कभी आपको यहाँ पे रेडियो जो है आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको देखना कि आप जो है इलाइट कम्युनिकेटर का गाइस अचीवमेंट कैसे कर सकते हो, तो गाइस आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो और गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइस बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस मैंने आपको जो सारी चीजें अभी फिलहाल बोली है स्टेप वन से लेके स्टेप फोर तक, अगर गाइस आप वो सारी फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन गाइस स्टिल अभी गाइस आपको और भी बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट चाहिए। तो गाइस वो आपको कहां से मिलने वाले, वो गाइस आपको मिलने वाले यहाँ पे कि हम ऐसा बोल सकते जो कि अचीवमेंट्स है जो कि है ग्लोरियस मोमेंट। सो गाइस ग्लोरियस मोमेंट्स के अंदर गाइस बहुत सारे अचीवमेंट है, लेकिन गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करने वाला हूँ आप यहाँ पे जो अचीवमेंट है ऑन अ मिशन, तो गाइस आप इसके ऊपर आप फोकस करिए। तो गाइस अगर आप यहाँ पे ऑन अ मिशन टाइटल पूरा कंप्लीट कर लेते तो गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल 870 अचीवमेंट पॉइंट्स। तो गाइस वो किस तरीके से, सो गाइस ऑन अ मिशन के अंदर आपको टोटल 6 तरीके की मास्टरी आपको कंप्लीट करने के, तब जाके गाइस आपको मिलेंगे यहाँ पे 60 अचीवमेंट पॉइंट। तो गाइस मैंने इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आपको गाइस उसका लिंक ऊपर आई बटन पे होना चाहिए, गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस जैसे आप कोई एक मास्टरी कंप्लीट करते हो तो गाइस आपको यहाँ पे मिलते हैं गाइस 125 अचीवमेंट पॉइंट्स। तो गाइस अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते भी यहाँ पे गाइस अभी मैंने यहाँ पे मास्टरी कंप्लीट की थी जो कि एसएमजी मास्टरी। तो गाइस मुझे इसके अंदर मारने थे टोटल 2000 बंदे एसएमजी के थ्रू, तो गाइस मुझे इसके अंदर मिल चुके थे टोटल 125 अचीवमेंट पॉइंट्स। तो गाइस यहाँ पे टोटल 6 मास्टरीज है। तो गाइस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 इंटू 6, तो गाइस अब यहाँ पर हमारा आंसर आता है 750 अचीवमेंट पॉइंट्स। और गाइस जैसे जैसे आप यहाँ पे मास्टरी सबके कंप्लीट करोगे तो गाइस यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पे अचीवमेंट्स है, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक वेयर हाउस का यहाँ पे अचीवमेंट है जहाँ पे आपको टोटल 20 अचीवमेंट पॉइंट मिलने वाले। आपको गाइस यहाँ पे टोटल 6 में से गाइस कोई भी 2 यहाँ पे अचीवमेंट आपको कंप्लीट करना है, मास्टर आपको कंप्लीट करना है, फिर गाइस आपका जो अचीवमेंट है डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा, फिर गाइस आपको पे मिलेंगे 20 अचीवमेंट पॉइंट। एंड गाइस यहाँ पे और एक वैसा ही सेम अचीवमेंट है जो कि है वेतरन। तो गाइस अगर आप टोटल यहाँ पे 6 में से कोई भी 4 पे आप मास्टरी कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेंगे टोटल 40 अचीवमेंट पॉइंट्स। एंड अभी गाइस अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं टोटल 60 अचीवमेंट पॉइंट जो कि ऑन अ मिशन के, एंड गाइस 750 अचीवमेंट पॉइंट्स है जो कि ऑल मास्टरीज के, एंड गाइस यहाँ पे और 40 एंड प्लस 20 गाइस यहाँ पे जो अचीवमेंट है वो है गाइस वेतरन और वेयर हाउस अचीवमेंट के। तो टोटल गाइस हमको यहाँ पे मिलती है पूरे 870 अचीवमेंट पॉइंट्स। एंड गाइस अभी बारी आती है भाई बाकी अचीवमेंट्स की जो कि है ग्लोरियस मोमेंट्स के अंदर। तो गाइस अब यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ जो अचीवमेंट गाइस आपको सबसे सिंपल लगता है गाइस आप सबसे पहले वो करिए, बाकी जो हार्ड है गाइस वो बाद में करिए, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर मुझे सबसे गाइस सिंपल लग रहा है जो कि है वेपन मास्टर का टाइटल। सो गाइस सबसे पहले गाइस इसके में रिक्वायरमेंट है जो कि है आपका टीयर जो प्लैटिनम के ऊपर होना चाहिए। अगर आप प्लैटिनम 5 होगा तो गाइस बहुत ही बढ़िया गाइस आपको बहुत ही अच्छा लॉबी फंसने वाला है। एंड गाइस इसमें टोटल 6 क्राइटेरिया है गाइस, आपको एक व्हीकल से बंदा मारना है, थ्रोबेल से मारना है, स्नाइपर राइफल से बंदा मारना है, एसल्ट राइफल से मारना है, शॉटगन से मारना है और एसएमजी के थ्रू एक बंदा मारना है, ठीक है। तो गाइस टोटल को 6 किल करने हैं 6 अलग अलग तरीके से एक ही मैच के अंदर, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पर आपको मैं एक स्पेशल से ट्रिक देने वाला हूँ, आपका ये मिशन जो है आपको स्क्वाड में करिए। एंड गाइस आपका उस वक्त आपका जो टीयर है गाइस प्लैटिनियम 5 के ऊपर होना चाहिए या फिर प्लैटिनियम 5 होगा तो अच्छी बात है। एंड गाइस आपके जो फ्रेंड है गाइस उनका एकदम न्यू आइडिया होगा
तो गाइस काफ़ी बढ़िया बात है गाइस, आपको जो बंदे आएंगे गाइस वो काफ़ी लो लेवल के होंगे, एंड गाइस आपको वहाँ पे बॉट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपके, अगर जो फ्रेंड है वो ब्रॉन्ज या फिर गाइस गोल्ड के टीयर पे होंगे तो ठीक है। तो गाइस ये एक स्पेशल ट्रिक रहा हमारी वेपन मास्टर को कम्प्लीट करने के तो लिए। गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट अचीवमेंट है जो कि गाइस मुझे काफ़ी ईजी लगता है, जो कि ये फ्री चिकन डिनर ठीक है। तो गाइस ये जो अचीवमेंट है गाइस मैंने सोलो में किया था, एंड गाइस उस वक्त मेरा टीयर जो था वो प्लेटिनियम टीयर था ठीक है। तो गाइस अभी इसमें रिक्वायरमेंट भी वैसी है कि आपको जो टीयर है वो प्लेटिनियम टीयर के ऊपर होना चाहिए या फिर प्लेटिनियम टीयर होना चाहिए। तो गाइस अभी सिचुएशन आपको कुछ ऐसी है कि गाइस आपको विनर विनर चिकन डिनर लेना है एक भी बंदा मारे बगैर, तो गाइस आप यहाँ हिल बैटल कर सकते हो। सो गाइस मैंने भी यहाँ पे गाइस हिल बैटल ही किया था, गाइस ये जो अचीवमेंट है गाइस मैंने किया था लिविक मैप के अंदर। तो गाइस सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी मेरे फेवर के अंदर, इसकी वजह से गाइस मेरे यहाँ पे बहुत ही इजिली 0 किल चिकन डिनर यहाँ पे मेरा हो गया। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे मैं ट्रिक देने वाला हूँ, आपको करनी है गाइस ऑटो मैचिंग आपके फ्रेंड के साथ। तो गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर तो आपने सुना होगा डिस्कॉर्ड क्या होता है, तो गाइस अगर आपका डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं तो गाइस क्रिएट कर लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे कि कैसे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट करना है ठीक है। तो गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट कीजिए, आपके फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, एंड गाइस वहाँ से आप बात वगैरह भी कर सकते हो ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, जैसे गाइस आपका फ्रेंड आज था डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, तो भाई उसको बोलिए आपका पबजी उसका पबजी मोबाइल ओपन कर दे, एंड गाइस आपको यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3। तो गाइस जैसे आपका मतलब आप 3 बोलोगे या फिर आपका फ्रेंड 3 बोलेगा, तो गाइस आपको ट्राई करना है कि आप एक साथ गाइस स्टार्ट का बटन पे क्लिक करो, एंड गाइस अगर आपका लक अच्छा है तो गाइस आपका पे मैच मेकिंग भी हो जाएगा। और गाइस आपको यहाँ पे मैच मेकिंग करने के करा या फिर लीव मैप के अंदर, तो गाइस आपको यहाँ पे दो मैंने मैप बता दिए लीवी या फिर करा के मैप में गाइस आपका मैच मेकिंग करने का ट्राई करिए, एंड गाइस आपको किस तरीके से पता चलेगा कि भी आपका फ्रेंड और आप एक ही मैच में आए हो कि नहीं। तो गाइस जैसे आप सपोज करो, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाइस आपका ऐसे प्लेन जा रहा है मिलिट्री बेस से सीवरनिया तक, तो भाई आपको गाइस आप बोलना आपके फ्रेंड को भाई तेरा प्लेन कैसा जा रहा है, एंड गाइस अगर आपका दोनों का प्लेन सेम रूट से जा रहा है तो गाइस समझ लो आपका गाइस यहाँ पे मैच मेकिंग हो गया है। एंड गाइस आपको अब एक डिसीजन लेना है फिर आपको लैंड कहाँ पे करना है। तो गाइस लैंड जो है गाइस काफ़ी दूर करिए ठीक है, प्लेन रूट से गाइस काफ़ी दूर करिए, थोड़ा ग्लाइड करके थोड़ा दूर का लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, एंड गाइस वहाँ पे लैंड करिए, एंड गाइस आराम से यहाँ पे आप लास्ट तक सर्वाइव कीजिए, एंड गाइस आपके फ्रेंड को बोलो भाई तू सारे बंदे मार, मैं यहाँ पे शांति से कैंप करते बैठा रहूँ। यहाँ पे गाइस अगर आप आखिरी तक सर्वाइव कर जाते हो, सिर्फ आप और आपका टीममेट बचता है, तो भाई आपके टीममेट को बोले भाई जोन से मारा जाए, फिर खुद के ऊपर नेट कर ले, एंड गाइस आपको पे फ्री में विनर विनर चिकन डिनर मिल जाएगा, और गाइस आपको जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। तो गाइस ये हमारी ट्रिक हो गई स्पेशल ट्रिक जो कि आपको मैंने सजेस्ट की है, या फिर गाइस आप हिल बैटल करके भी विनर विनर चिकन डिनर ले सकते हो ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं हमारे पे नेक्स्ट अचीवमेंट जो कि है शार्प शूटर। तो गाइस अभी यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, आपको भी 3 बंदे मारने के 50 मीटर की दूरी से बैक टू बैक ठीक है, भाई एक भी शॉट मिस नहीं होना चाहिए, और गाइस तीनों को भाई हेडशॉट लगना चाहिए ठीक है। एंड गाइस आपको ये सोलो मोड में करना है, एंड गाइस उस वक्त आपका जो टेयर हो प्लैटिनम टेयर होना चाहिए ठीक है। तो गाइस मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की थी अभी वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पर मैंने 3 बंदों को एडजस्ट किया था, डिस्कॉर्ड सर्वर पर बुलाया था, एंड गाइस वहाँ पर हमने एक साथ ऑटो मैचिंग की थी, एंड गाइस सब एक ही मैच में आ चुके थे ठीक है। तो गाइस मैंने जो मिशन अचीवमेंट है गाइस वो मैंने किया था इरेंगल मैप के अंदर ठीक है। तो गाइस आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा गाइस इरेंगल मैप के अंदर ये मिशन जो है आपका पूरा कंप्लीट करिए। लेकिन गाइस याद रख, अगर आप चारों को गाइस ऑटो मैचिंग हो जाता है तो गाइस याद रखिए आपको सबसे पहले भाई एक अच्छा गन ढूंढना है, एंड गाइस उसके लिए 4x या फिर 6 हो तो भी अच्छी बात है ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस आप कोई भी गन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे M4 बैरियल AKM, कोई SMG गन मत लेना भाई, उसका बुलेट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है ठीक है। तो भाई वो मतलब हेड पिन लगेगा थोड़ा अलग ही जगह पर लग जाएगा ठीक है। सबसे पहले गाइस अगर आपके यहाँ पे मैचिंग हो जाता है ना भाई, सबसे पहले गाइस उनको भाई 4 मुक्के मार दीजिए ठीक है, बॉक्सिंग आपको जो भी हम बोलते हैं उसको, तो गाइस उनको भाई 4 मुक्के मार दीजिए ताकि भी उनका हेल्थ जो है वो थोड़ा बहुत कम हो सके ठीक है। एंड गाइस आपको वो डिस्कॉर्ड पे बताते रहेंगे कि भाई मेरा हेल्थ इतना कम है, तो और एक मुक्का मार या फिर मत मार ठीक है, तो समझ रहे हो ना, वैसे आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो। एंड भाई जैसे गाइस आपने उसको 4 मुक्के मारे, तो भाई उसको बोलो भाई 50 मीटर की दूरी पे जाके खड़ा हो जाए, एंड गाइस आपको भाई 50 मीटर की दूरी से भाई उसको हेडशॉट मार देना है ठीक है। तो गाइस मैंने सेम यही तरीका इस्तेमाल किया था, एंड गाइस मेरा एक ही मैच के अंदर भाई मेरा शार्प शूटर जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो गया था ठीक है। सो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट जो कि है चिकन एक्सपर्ट। सो गाइस इस अचीवमेंट के अंदर आपको मिलने वाले टोटल 50 अचीवमेंट पॉइंट, और गाइस आपको एक टाइटल भी मिलने वाला है जो कि है चिकन मास्टर। सो गाइस इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है, आपको जो मैचेस खेलने आपको सोलो में खेलने, एंड गाइस उस वक्त आपका जो टीयर है वो प्लैटिनियम टीयर होना चाहिए या फिर प्लैटिनियम टीयर के ऊपर होना चाहिए ठीक है। सो गाइस याद रखिए जब भी आप विनर विनर चिकन डिनर लेते हो, जब आप आखिर का किल करते हो, तो गाइस यहाँ पर कुछ उन्होंने दिया है SMG पिस्टल लाइट मशीन गन जो कि हमारी होती है DP या फिर M249 या फिर गाइस स्नाइपर राइफल या फिर असॉल्ट राइफल या फिर शॉट गन मिली वेपन या फिर क्रॉसबो
व्हीकल्स या फिर थ्रोएबल्स। तो गाइस ये जो आपको नाम दिख रहा है गाइस, आपको इनमें से गाइस कोई भी एक पिकअप कर लीजिए एंड गाइस आखिर का किल करिए। अगर गाइस आपको एसएमजी मिलता है तो भाई एसएमजी से आखिरी वाला किल करिए। फिर गाइस आपको यहाँ पे सामने ग्रीन टिक आ जाएंगे, मतलब गाइस आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो कि काफी सिंपल है, जो कि आप सोलो में कर सकते हो विदाउट टीम अप करे, जो कि गाइस एसएमजी, फिर लाइट मशीन गन से आखिरी बंदा मारना, फिर स्नाइपर राइफल से मारना, एसल्ट राइफल से मारना, शॉटगन से मारना और गाइस यहाँ पे थ्रोएबल से मारना, ठीक है। तो गाइस ये सारे आप सोलो में कर सकते हो विदाउट टीम अप करे। एंड गाइस जो बाकी के हैं, मतलब जो कि पिस्टल से मारना है या फिर गाइस मेली वेपन से मारना है, फिर क्रॉसबो से मारना है, फिर व्हीकल से मारना है, तो गाइस मैं आपको जो ट्रिक बोल रहा हूँ भाई, आपके फ्रेंड को इनवाइट करो डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, देन गाइस ऑटोमेटिक स्टार्ट करो। तो गाइस आपको सिर्फ एक ही फ्रेंड की जरूरत पड़ने वाली इसके अंदर। एंड गाइस ये जो अचीवमेंट है गाइस आप वो कराकिन और लिविक में कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक करने का ट्राई करिए आपके फ्रेंड के साथ कराकिन और लिविक मैप के अंदर, ठीक है। लेकिन गाइस मैंने जो अचीवमेंट किया था गाइस वो मैंने किया था लिविक मैप के अंदर, तो गाइस मेरा लिविक मैप के अंदर गाइस काफ़ी इजीली हो गया था, ठीक है। सो गाइस यही कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स जो जेन्युइन गाइस मैंने ट्रिक्स फॉलो की थी, मैंने गाइस वो सेम एज इट इज़ आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अभी गाइस आप वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं गाइस आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड गाइस एक बॉट लोकेशन है जो कि गाइस आपको हेल्प करने वाली है अगर आप असॉल्ट मास्टरी करने का ट्राई करते हो, मतलब कोई भी मास्टर अगर आप करने का ट्राई करते हो, तो गाइस इरेंगल में एक बॉट लोकेशन है। एंड गाइस काराकिन में भी आई गेस एक बॉट लोकेशन है लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको बॉट लोकेशन देखना है तो गाइस आपको उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।